नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुदरत का कहर टूट रहा है, भयंकर से अति भयंकर तबाही। हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। भयंकर बादल फटने से चारों ओर तबाही मची हुई है। बताया जा रहा है कि सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में बालद नदी पर बना पुल टूट गया है। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश, पानी के तेज बहाव के चलते पुल का एक हिस्सा पूरी तरीके से धराशायी हो गया है, जिसके चलते औद्योगिक क्षेत्र बद्दी का संपर्क चंडीगढ़ हरियाणा से टूट गया है। बताया जा रहा है कि बद्दी में कल रात से भयंकर से अति भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते बालद नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके बाद नदी के तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा बह गया है। इसके बाद बद्दी की ओर नेशनल हाईवे 105 पिंजौर बद्दी चंडीगढ़ मार्ग की ओर जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया है। पुल के टूट जाने से यहां से गुजरने वाले वाहन लक्कड़ डिपू पुल से होते हुए हरोटी वाला की ओर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जुलाई से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, हजारों घर तबाह हो गए हैं, 11,000 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं, लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। लेकिन अभी भी मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगभग 5,000 से ज्यादा गौशालाएं पूरी तरीके से खत्म हो गई है, 1,000 से ज्यादा दुकान बह गई है, चारों ओर हाहाकार मच रहा है, भयंकर से अति भयंकर तबाही मच रही है, पूरे पहाड़ के पहाड़ दरकने लगे हैं, लगातार भयंकर से अति भयंकर भूस्खलन हो रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते पंजाब और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों 26 अगस्त 2023 तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी दोस्तों परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि अगले 3 दिन के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और आज दोस्तों मंडी के अंदर बादल फटने से कई महिलाएं लापता हो गई हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। यहां कुदरत का कहर टूट रहा है, जमकर तबाही मच रही है। इसलिए आप सभी से विनती है कि रात के समय सावधान रहें, अगले कुछ दिन आप यात्रा ना करें, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें, नदी नालों से दूर रहें। वीडियो को लाइक से करें, चैनल को सब्सक्राइब।